हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन जो कि पेन रिलीफ करने में हमें हेल्प करती है। इनके दोनों ही मैकेनिज्म हो सकते हैं, ये सेंट्रली भी वर्क करती है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये काम करेगी और पेरिफेरली भी ये वर्क करती है। तो इसका मैकेनिज्म सारा कुछ हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं जहाँ पे हमने फिजियोलॉजी ऑफ पेन ट्रांसमिशन डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से दो पाथवे असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे पेन ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं। हमने देखा था कि असेंडिंग पाथवे के थ्रू किस तरीके से इंजर्ड सर्फेस से पेन की या जो जहाँ पे भी आपको स्टिमुलाई लगा है, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, फिजिकल स्टिमुलाई हो, जहां पे भी वो स्टिमुलाई लगा था उस एरिया से जो आपके ब्रेन में, आपके कॉर्टेक्स रीजन में जो पेन की इंपल्सेस जाती हैं वो कैसे जाती हैं, उसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर हमने ये भी देखा था कि डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू जो कि मिड ब्रेन से हमारा स्टार्ट होता है, किस तरीके से ये जो पेन ट्रांसमिशन है उसे रोका जा सकता है, कैसे 5-HT और नॉरएड्रेनालिन अपना रोल प्ले करते हैं ताकि आपका क्या हो सके, वो जो पेन की इंपल्सेस जा रही है असेंडिंग पाथवे के थ्रू उसे रोका जा सके। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ओपियोइड्स जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने देखा था एंडोर्फिन है, एनकेफलिन है, डायनोर्फिन है, वो किस तरीके से अपने रिसेप्टर से बाइंड होके पेन ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हमें उसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ पेन ट्रांसमिशन, और उसी में हमने ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का रोल भी डिस्कस कर लिया था, उसका मैकेनिज्म भी देख लिया था, तो वो लेक्चर आप पहले देखिए, ठीक है। और ये लेक्चर उसी लेक्चर का कॉन्टिन्यूएशन है, तो जहां जो बातें हमने वहां डिस्कस की है अब वो हम यहां नहीं करने वाले, ओके। तो चलिए, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते क्या है ये तो हमें पता है। तो ओपियोइड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, ये एनाल्जेसिक्स बेसिकली हमें पता है ये हमारी बॉडी में भी होते हैं जो कि एंडोजेनस है, ठीक है। एंडोजेनस मतलब हमारी बॉडी में है, ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोनल टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं, और जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, ओके। लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे ऐसी इंजरी हो गई है जो कि बहुत ज्यादा आपकी क्या है पेनफुल सिचुएशन जिसने क्रिएट कर दी है, तो उस केस में आपके एंडोजेनस ओपियोइड्स इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। वहां पे हमें बाहर से ओपियोइड्स देने पड़ते हैं वाया इंजेक्शन, ठीक है। आप वो ओपियोइड्स दोगे इंट्रावेनसली अगर आपने दिए हैं तो वो क्या करेंगे, सेम आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो ओपियोइड है उन्हीं की तरह एक्शन को परफॉर्म करेंगे, ओके। तो सिंपल सी बात है कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है उन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है एंडोजेनस और एक है एक्सोजेनस। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरी आएगी आपकी, एंडोजेनस यानी कि ये वो ओपियोइड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये दूसरी कैटेगरी है हमारी एक्सोजेनस, ये कौन से हैं जो हम बाहर से ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो एंडोजेनस में कौन कौन से आते हैं आपके, पहला हमारे पास है एंडोर्फिन, सेकेंड हमारे पास है डायनोर्फिन, थर्ड है हमारे पास एनकेफेलिन, इनको छोड़ के हमारे पास नोसिसेप्टिन भी प्रेजेंट होता है, एंडोएपोमॉर्फिन भी प्रेजेंट होता है, वो मैं नहीं लिख रही हूं। मेनली ये तीन हमारे पास ओपियोइड्स हैं जो हमारी बॉडी में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं न्यूरॉन्स के टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से टर्मिनल में ये ओपियोइड प्रेजेंट होते हैं, जब भी ये अपने वेसिकल से रिलीज होंगे तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे रिलीज होते हैं ये हमने देखा है, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन 5-HT कैसे इनका रिलीज करवाता है ये हम पूरा मैकेनिज्म देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद बात आती है एक्सोजेनस की, यानी कि जब हमें जरूरत पड़ रही है बाहर से लेने की तो वहां पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये हम देख लेते हैं। हमारे पास है मॉर्फिन, ठीक है, मिपैरिडीन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मीथाडोन,
इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन आती है, ट्रेमेडॉल, ये सारी क्या है हमारी, ये एक्सोजेनस ओपियोइड एनाल्जेसिक है, यानी कि ये आपकी मेडिसिन है जो हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब बात ये आती है, इनका मैकेनिज्म तो हम जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली जो भी हमारे ये ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं, चाहे एंडोजेनस हो चाहे एक्सोजेनस हो, इनके पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारे जो ओपियोइड रिसेप्टर्स है, क्योंकि ये अपना इफेक्ट इन्हें दिखाना है तो ऑब्वियसली रिसेप्टर्स से बाइंड होना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास कितने टाइप के ओपियोइड रिसेप्टर है, तीन हमारे पास टाइप के ओपियोइड रिसेप्टर है। सबसे पहले है म्यू, दूसरा हमारे पास क्या है म्यू के साथ, दूसरा क्या है हमारे पास डेल्टा रिसेप्टर, और लास्ट हमारा क्या है कापा रिसेप्टर, ठीक है। तो ओपियोइड रिसेप्टर यानी कि इन सब के बाइंड होने के तीन ऑप्शन है, या तो ये म्यू से बाइंड होंगे, डेल्टा से बाइंड होंगे, या फिर कापा से बाइंड होंगे, और हो सकता है कि ये तीनों से बाइंड होते हो, और हो ये भी हो सकता है कि किन्हीं दो से बाइंड होते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, टोटल हमारे पास तीन टाइप के हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैकेनिज्म का डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने आपको जो मैकेनिज्म बताया था, जो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था, हमने क्या देखा था बेटा, दो ही मैकेनिज्म थे ना। कौन कौन से मैकेनिज्म थे? पहला क्या था आपका, या तो पोटेशियम चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। पोटेशियम चैनल ओपन होता है, चलिए मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। सपोज ये हमारा क्या था, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था, और ये हमारा क्या था, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन था, ठीक है। असेंडिंग पाथवे में दो ही न्यूरॉन थे, है ना। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसके अंदर क्या है आपका ओपियोइड, आपका आप बोल सकते हो इसके अंदर ओपियोइड नहीं, यहाँ पे हमारे क्या है न्यूरोट्रांसमीटर आपके स्टोर्ड हैं, जिनकी वजह से पेन ट्रांसमिशन होता है। कौन कौन से हैं, ग्लूटामेट था, पढ़ा था ना, सब्सटेंस पी और सीजीआरपी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है आपके वेसिकल के अंदर स्टोर्ड हैं, ठीक है। और इन्हीं मैंने असेंडिंग पाथवे में आपको बहुत क्लियरली बताया था कि यही न्यूरोट्रांसमीटर जब वेसिकल से रिलीज होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिकली अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, तभी जाके पेन का जो आपका पेन की जो इंपल्स है वो हमारे कॉर्टेक्स में जाती है और हमें पेन फील होता है ना। तो अगर किसी भी तरीके से हम इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने से रोक दें तो उससे क्या होगा, बताइए क्या होगा उससे, क्या पेन की जो आपका पेन की इंपल्स आपके कॉर्टेक्स एरिया में जा पाएगी, नहीं ना। और अगर इंपल्स ही नहीं गई तो क्या आपको महसूस होगा पेन, नहीं होगा। एनाल्जेसिक यही तो करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा सिंपल हमें पता था कि ये हमारा आपका असेंडिंग पाथवे का प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है जो कि सेंसरी न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। इन इन जो हमारे केमिकल्स हैं इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ऐसे पोस्ट सिनेप्टिकली हमारे ये रिसेप्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये तीनों के रिसेप्टर यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं डिफरेंट कलर से, चलिए ये। अब जब भी क्या होगा, मैंने बताया आपको कि जब भी ये बाइंडिंग होगी, सपोज ये ग्लूटामेट इससे बाइंड हुआ, ठीक है, अपने रिसेप्टर से, सब्सटेंस पी अपने से बाइंड हुआ, और लास्ट फॉर है सीजीआरपी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। जैसे ही ये बाइंडिंग होगी उसकी वजह से क्या होगा आपका, पेन इंपल्स ट्रांसमिशन, ठीक है, टू कॉर्टेक्स। हमें पता है कि पेन इंपल्स जाएगी ही तब जब इन रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जो ये ओपियोइड है, ओपियोइड रिसेप्टर क्या बोला हमने, म्यू डेल्टा और कापा तीन टाइप के हैं, ठीक है। तो हमें क्या, मैंने क्या बोला था कि जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में भी होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भी होते हैं। सपोज ये वो रिसेप्टर है, ठीक है, पहले प्रीसिनेप्टिक को डिस्कस कर लेते हैं, ये वो रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर क्या होता है, देखो जैसे सपोज यहाँ पे अगर ओपियोइड कहीं से रिलीज हुआ, हमें पता है कि यहाँ पे आपके क्या रहते हैं, इंटर न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं, ये है वो इंटर न्यूरॉन, ठीक है। और ये इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं अपने अंदर से, क्या इनके पास क्या होता है, यहाँ पे वेसिकल्स के अंदर ओपियोइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही ओपियोइड रिलीज हो गए यहाँ आएगा क्लेफ्ट में, तो ये क्या करेगा अपने रिसेप्टर को ढूंढेगा। ये ओपियोइड कोई सा भी हो सकता है, एंडोर्फिन, डायनोर्फिन, एनकेफेलिन, क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एंडोजेनस की, ठीक है। एक्सोजेनस तो आप लोगे ड्रग के फॉर्म में,
तो अब ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। चलिए इसे अपना रिसेप्टर मिल गया जो कि प्रीसिनैप्टिक प्रेजेंट था। ठीक है, तो होता क्या है, प्रीसिनैप्टिक रिसेप्टर कौन कौन सा आपका, अगर ये प्रीसिनैप्टिक रिसेप्टर आप ध्यान रखिएगा, ये कौन सा रिसेप्टर है, कापा रिसेप्टर है सपोज। ठीक है, तो क्या होता है देखो, कापा रिसेप्टर से जब ये बाइंड होता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रीसिनैप्टिक आपका न्यूरॉन है, यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल है ना, जिनके थ्रू कैल्शियम अंदर आता है, ये बाइंडिंग के बाद ये कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, आपके ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। पाथवे हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों ही रिसेप्टर क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व है वो कौन सी है, जी आई, यानी कि इनहिबिशन होगा। तो यहां जैसे ही देखो, कापा रिसेप्टर से जैसे ही ओपियोइड की बाइंडिंग हुई, तो हुआ क्या, जो कैल्शियम अंदर, कैल्शियम का अंदर इन्फ्लक्स हो रहा था वो ब्लॉक हो गया। कैल्शियम का इन्फ्लक्स ब्लॉक होने की वजह से अब क्या होगा बताओ, ये एक्सोसाइटोसिस होगी, वेसिकल्स में जो एक्सोसाइटोसिस होती है, वेसिकल्स के अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसके लिए कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत है, नहीं ना, एक इम्पल्स बनने के लिए, क्योंकि हमें पता है अंदर एक्शन पोटेंशियल जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक आपका ये वेसिकल बर्स्ट नहीं होगी, जिसमें कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब कैल्शियम अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये वेसिकल्स क्या होंगी, बर्स्ट नहीं होंगी, वेसिकल्स नहीं टूटेंगी, तो इनके अंदर के मीडिएटर रिलीज होके साइनेप्स में नहीं आएंगे, साइनेप्स में नहीं आएंगे तो रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं होगी, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे तो पेन इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो समझ में आया ओपियोइड कापा के थ्रू कैसे काम करते हैं। ठीक है, कापा रिसेप्टर का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, तो क्या है बताइए कापा का मैकेनिज्म, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। कापा क्या करता है, हमारा कैल्शियम चैनल्स को क्या करता है, आपका ब्लॉक करता है या इनहिबिट करता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट। चलिए नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला, ओपियोइड के रिसेप्टर प्रीसिनैप्टिकली थे, कापा चलो हमने उसमें एग्जांपल लेके डिस्कस कर लिया, हालांकि म्यू और डेल्टा भी प्रीसिनैप्टिकली होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे स्पेसिफिक मैकेनिज्म बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल कापा का एग्जांपल लिया है। अब हम देखते हैं कि म्यू और डेल्टा कैसे काम करते हैं, चाहे वो पोस्ट सिनैप्टिक हो प्रीसिनैप्टिक हो। चलिए मैं पोस्ट में एग्जांपल लेके चल रही हूँ। सपोज ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब ये ओपियोइड सेम जैसे कापा रिसेप्टर से बाइंड हुए थे, वैसे ही किससे बाइंड होंगे, म्यू से भी बाइंड होंगे और डेल्टा से भी बाइंड होंगे। तो मैं म्यू ऑब्लिक डेल्टा लिख दे रही हूं, दोनों ही ये हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये ओपियोइड म्यू या डेल्टा रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो क्या होता है, देखो जब भी ये बाइंडिंग होती है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो भी न्यूरॉन है, चाहे वो प्रीसिनैप्टिक होता चाहे पोस्ट होता, क्योंकि यहां मैंने पोस्ट का एग्जांपल लिया हुआ है तो मैं पोस्ट में ही बना रही हूं, जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, इसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। और पोटेशियम चैनल कैसे होते हैं, आपके इनवर्ड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल, यानी कि पोटेशियम कहां की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, म्यू और डेल्टा से जैसे ही ओपियोइड बाइंड होते हैं, ये क्या करता है, आपका पोटेशियम चैनल को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। तो पोटेशियम चैनल ओपन हुए तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, सेल के अंदर क्या स्टेट आ जाएगी, जब पॉजिटिव चार्ज आपका बाहर की ओर जा रहा है तो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूरॉन के अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बिल्कुल कहां चला जाएगा, नेगेटिव की ओर चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर जा रहे हैं, है ना। जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं इस तरीके से करते हैं, सपोज ये जीरो है, ठीक है, इससे नीचे क्या है, माइनस में है पोटेंशियल, ऊपर क्या है, प्लस में पोटेंशियल है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये इंपल्स थी, सपोज ये एक इंपल्स थी, आई है यहां पे आई। ठीक है, अब सोचो कि पोटेशियम चैनल अगर इतने ज्यादा ओपन होंगे तो ये इंपल्स क्या होगा। ठीक है, जीरो तक तो आ गई थी पोटेशियम चैनल, ये वाली जो फेज आती है हमारी किस वजह से आती है, पोटेशियम की वजह से ही आती है ना। जब पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं उसी की वजह से तो ये पोटेंशियल नीचे की ओर आ रहा है, नेगेटिव की ओर। अब क्या हुआ, पोटेशियम चैनल इतना ज्यादा ओपन हो गए कि ये पोटेंशियल और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। ये पॉजिटिव आयन जो हमारी किसी भी इंपल्स में, जो ये आपका थर्ड जो फेज आती है, फेज थ्री, वो किस वजह से आती है, पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से ही तो आती है। तो पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से क्या हो रहा था, पोटेंशियल नीचे की ओर जा रहा था, पॉजिटिव से, सपोज यहाँ पे प्लस 60 था, प्लस 60 से देखो नीचे आता आता प्लस 10 में भी आया, जीरो में भी आया,
लेकिन अभी भी अगर पोटेशियम चैनल ओपन ही रहेंगे तो पोटेंशियल जो है वो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव की ओर चला जाएगा। सपोज ये -50 mV तक चला गया, तो ये वाली जो फेज आ जाएगी जो पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है नई इम्पल्स जनरेट होने में टाइम क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। अब क्या होगा, दूसरी अगर इम्पल्स को जनरेट करना है तो सबसे पहले इस नेगेटिव पोटेंशियल को हमें यहां तक लेके आना पड़ेगा, फिर जाके हमारी कोई नई इम्पल्स जनरेट हो पाएगी। यानी कि इतना टाइम जो लगा इसे नीचे से ऊपर लाने में, इसकी वजह से क्या हुआ, दो इम्पल्स के बीच में गैप आ गया, जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो बढ़ गया। तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो पेन इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा बताइए, क्या पेन इम्पल्स उसी नॉर्मल वे में ट्रांसमिट हो जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि जब इम्पल्स के बीच में गैप इतना आ गया, अभी तो मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया, अगर पोटेशियम चैनल इतना ज्यादा ओपन हो जाए तो आपको क्या लग रहा है, नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट भी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। सबसे पहले तो पोटेशियम को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका आजमाना पड़ेगा जिससे पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया जा सके। समझ में आ रहा है? तो यानी कि म्यू और डेल्टा का मैकेनिज्म क्या है, जब भी इन रिसेप्टर्स से ओपियोइड बाइंड होते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से पोलराइजेशन होने की बजाय हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज आ जाती है, जो आपका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, न्यूरॉन में जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल कहाँ चला जाता है, नेगेटिव की ओर चला जाता है। तो इसीलिए इम्पल्स जो आपका जनरेशन है वो आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब इम्पल्स ही नहीं जनरेट हो पा रही है, नई इम्पल्स आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजने के लिए इम्पल्स का जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वो जनरेशन ही नहीं हो रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैसेज हमारे कॉर्टेक्स तक जाएगा ही नहीं, तो पेन फील होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारे म्यू और डेल्टा रिसेप्टर हैं ये क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ये पोटेशियम चैनल ओपनिंग कर देते हैं। ठीक है, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे और इनवर्ड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अंदर से बाहर की ओर पोटेशियम का मूवमेंट रहेगा, तो पोटेशियम चैनल ओपनर आप कह सकते हो, ओपनिंग कर दी है। तो इन तीनों के मैकेनिज्म को आई होप समझ गए होंगे आप कि ओपियोइड जब भी म्यू से बाइंड होगा, चाहे वो म्यू प्री सिनेप्टिक हो चाहे पोस्ट सिनेप्टिक हो, ठीक है, अगर प्री सिनेप्टिक होता तो तब क्या होता बेटा, तब तो ये वेसिकल से रिलीज तब भी नहीं होता, आप जानते हो ना, केवल कैल्सियम ही थोड़ा है इनको रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इस यहां पे आपके क्या है, सोडियम चैनल्स भी होते हैं, साथ में आपका पोटेशियम भी है। ठीक है, तो ये सारे ये तीनों आयंस मिलके क्या करते हैं, आपका वेसिकल्स को, आपका मेनली न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी सोचो ना, अगर यहाँ पे म्यू रिसेप्टर होता या फिर डेल्टा रिसेप्टर होता और ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते, तो उसकी वजह से क्या होता, आपका हाइपर पोलराइजेशन यहाँ पे भी आ जाता, और हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज, पोलराइजेशन होना सही है लेकिन हाइपर पोलराइजेशन अगर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका इम्पल्स जनरेट ही नहीं हो पाएगी, नई इम्पल्स आगे बनेगी ही नहीं, तो यहां से मैसेज यहां पे नहीं जाएगा। सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी इम्पल्स पहुंची है, तो यहां से दूसरे एरिया में इम्पल्स को पहुंचने के लिए नई इम्पल्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये पोटेशियम चैनल ओपनिंग की वजह से क्या होगा, ये इम्पल्स आपकी, नेक्स्ट इम्पल्स आपकी जनरेट होगी ही नहीं, और जब इम्पल्स ही जनरेट नहीं हो रही है तो ये वेसिकल तक पहुंचेगी कैसे, और वेसिकल बर्स्ट कैसे होगी, और केमिकल रिलीज कैसे होंगे। तो यानी कि ये बात दिमाग में रखिएगा कि म्यू डेल्टा कापा प्री सिनेप्टिकली पोस्ट सिनेप्टिकली दोनों जगह प्रेजेंट है। ये केवल समझाने के लिए था कि पोटेशियम अगर कापा रिसेप्टर से बाइंड होती है, अगर ओपियोइड्स जो हमारे ओपियोइड्स हैं अगर कापा से बाइंड होते हैं तो कैल्शियम चैनल की ब्लॉकेट होगी, और ब्लॉकेट की वजह से क्या होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर म्यू और डेल्टा से बाइंडिंग होती है तो क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपनिंग होगी, और पोटेशियम चैनल ओपनिंग होने की वजह से हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बहुत नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर टाइम आपका नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट होगी ही नहीं। ठीक है, जब तक आप उसे रिकवर नहीं कर लेते हैं। ये तो बात हो गई। चलिए इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि भाई ओपियोइड अगर म्यू से बाइंड होंगे तो क्या इफेक्ट आएंगे, अगर डेल्टा से बाइंड होगा तो क्या इफेक्ट आएगा,
अगर कापा से बाइंड होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है वो मैं बता चुकी हूँ, तीनों ही क्या है, जीपीसीआर है। तो चलिए वन बाय वन इनके इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये म्यू जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके तीन सब टाइप हैं, क्या है, म्यू वन, म्यू टू एंड म्यू थ्री, ठीक है। म्यू रिसेप्टर के क्या हैं आपके तीन सब टाइप हैं, वन टू एंड थ्री, और तीनों की वजह से अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू वन से अगर बाइंडिंग होगी तो क्या इफेक्ट आएगा, म्यू टू से बाइंडिंग होगी तो क्या इफेक्ट आएगा। ये जो है लोकेशन की वजह से इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली, है ना, जो जहां पे लोकेटेड है वो वहां का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है म्यू वन की वजह से क्या इफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो चलिए म्यू वन की वजह से क्या आता है, सबसे पहला इफेक्ट तो जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो म्यू वन से बाइंड होके ही आता है। जब आपका क्या होता है ओपियोइड्स, चाहे वो एंडोजेनस हो चाहे एक्सोजेनस हो, जब ये अपने म्यू रिसेप्ट म्यू वन से बाइंड होते हैं तो क्या इफेक्ट आता है आपका, एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये जो पेन इम्पल्स ट्रांसमिट होने से आप रोक रहे थे ना, वो म्यू वन की वजह से आ रहा है बेसिकली। दूसरा यही रिसेप्टर की वजह से आपका डिपेंडेंस भी आती है। जब हम कहते हैं ना कि ओपियोइड लेने की वजह से इंसान में डिपेंडेंस आ गई, कि ओपियोइड पे बिल्कुल निर्भर हो जाता है इंसान, वो मैं पूरा मैकेनिज्म अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि क्यों इंसान डिपेंडेंट हो रहा है वो अभी हम देखेंगे। उसके लिए म्यू वन रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी, सो ये आपके क्या है, म्यू वन के इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है म्यू टू। म्यू टू की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं ये देखिए। सबसे पहला इफेक्ट है यूफोरिया, जो ओपियोइड लेने के बाद इंसान को अच्छी सी फीलिंग आती है, इसीलिए आपने देखा होगा ये मॉर्फिन वगैरह जितनी भी ये ड्रग है, ये ड्रग ऑफ एब्यूज के अंदर भी आती है, क्योंकि इसे लेने के बाद इंसान को अच्छा सा फील होता है, ठीक है। तो वो इंसान उसे क्या करता है, अननेसेसरली कंज्यूम करने लगता है। सपोज पेन हो रहा है तब कंज्यूम करना डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आपको पेन नहीं भी है फिर आप क्या कर रहे हो, उसे केवल एक अपने अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, आप एब्यूज की ड्रग ऑफ एब्यूज की तरह कर रहे हो इस्तेमाल, तो वो गलत है। वो इसी वजह से है क्योंकि जब ये आपका बेसिकली ये ड्रग म्यूटू के साथ बाइंड होती है तो यूफोरिया प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी सबके मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा, म्यूटू से बाइंडिंग की वजह से डिपेंडेंस भी आती है, जैसे म्यू वन की वजह से आ रही थी, ठीक है। सबके मैकेनिज्म हम देखेंगे भाई क्यों आते हैं ये। नेक्स्ट है आपका म्यूटू से जब भी आपका ओपियोइड बाइंड होता है तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है, जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, वो कम हो जाता है। और जीआई मोटिलिटी कम होगी तो सबको पता होना चाहिए कि क्या होगा, इंसान को कॉन्स्टिपेटेड फील करेगा, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि फीकल मटीरियल को लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम एनस की तरफ जाने के लिए मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अब जब मोटिलिटी कम हो चुकी है तो वो मूव कैसे करेगा, तो इसीलिए इंसान को क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। नेक्स्ट इसके म्यू टू के ही इफेक्ट पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, फिर म्यू थ्री पे आएंगे। इसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट है मियोसिस। मियोसिस मीन्स क्या होता है, दो इफेक्ट आपने देखे होंगे आईज पे आते हैं आपका, मियोसिस एंड माइड्रियासिस। मियोसिस बेसिकली क्यों होती है, जो हमारा प्यूपिल है ना, तो प्यूपिल में हमारी जो मसल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, स्पिंक्टर मसल्स बोलते हैं उन्हें, ये क्या करता है, जब भी हम ओपियोइड लेते हैं ये इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर देती है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होगा, आपका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि पिन पॉइंट प्यूपिल किसका साइड इफेक्ट है, तो ध्यान रखेंगे किसका साइड इफेक्ट है आपका, ओपियोइड एनाल्जेसिक और स्पेसिफिकली मॉर्फिन ऑप्शन में अगर आपको गिवन होगा। तो मियोसिस किस वजह से हुई ये मैं आपको बता चुकी हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका इफेक्ट है वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये जितनी भी ड्रग आती है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है, ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा में, सबको पता है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, तो ये उन सेंटर्स को क्या कर देती है, डिप्रेस कर देती है, ठीक है। तो आप जब सेंटर डिप्रेस हो जाएंगे तो इसका मतलब सांस लेने में फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर को भी डिप्रेस कर देता है। तो ये म्यू टू के इफेक्ट है। इसके अलावा अब बात करते हैं म्यू थ्री की। म्यू थ्री की वजह से क्या इफेक्ट आएंगे,
तो ध्यान रखिएगा, म्यूथ्री का इफेक्ट जो है हमारी ब्लड वेसल्स पे आता है, क्योंकि म्यूथ्री रिसेप्टर हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी ओपियोइड म्यूथ्री रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इफेक्ट क्या आता है आपका, वैसोडायलेशन। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि हमारे जो म्यू रिसेप्टर हैं, तीन सब क्लास में इन्हें डिवाइड किया गया है, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, और हर टाइप का रिसेप्टर अलग अलग टाइप के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इन इफेक्ट्स को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो एक और बात यहाँ पे मैं बताना भूल गई, वो ये है कि जो एंडोजेनस जो हमारे हैं, इनमें से जो एंडोर्फिन है ना, एंडोर्फिन, ये सबसे ज्यादा इसका जो एगोनिस्टिक इफेक्ट है वो म्यू रिसेप्टर पे आता है। ठीक है, डायनॉर्फिन की अगर मैं बात करूं तो ये कापा पे बाइंड होता है सबसे ज्यादा, और एनकेफिलीन की बाइंडिंग डेल्टा रिसेप्टर में सबसे ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंडोजेनस हैं ये भी स्पेसिफिक है, रिसेप्टर स्पेसिफिक। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला एंडोर्फिन तो वो केवल म्यू से ही बाइंड होगा, डेल्टा कापा से भी बाइंड होता है, बट जो सबसे ज्यादा एफिनिटी है वो किसके लिए है, म्यू रिसेप्टर के लिए है, सेम विद डायनॉर्फिन एनकेफिलीन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हैं। नाउ पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट रह रहे हैं। देखो, सबसे पहले है डिपेंडेंस। क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर ओपियोइड एनाल्जेसिक ले रहा है, डिपेंडेंट क्यों हो जाता है बेसिकली? तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ओपियोइड क्या करते हैं, जब भी अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, अगर आप ओपियोइड्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, लंबे टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो, या फिर एक्यूट भी आप ज्यादा डोज में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एक्यूट और क्रॉनिक यूज दोनों ही, ठीक है, अगर आप इस तरीके से ओपियोइड्स को यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे ओपियोइड के रिसेप्टर हैं म्यू, कापा, डेल्टा, इनका क्या होने लगता है, इंटरनलाइजेशन होने लगता है, यानी कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में, ऑब्वियसली ये रिसेप्टर कहाँ पे है, हमारी मेम्ब्रेन में ही तो है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर हमारी मेम्ब्रेन से डिटैच होके, ठीक है, अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, और वहां पे इनका डिग्रेडेशन हो जाता है विद इन लाइसोसोम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। तो अब क्या होगा, देखो, अब ऐसे इंसान के, सपोज ये हमारा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, ये सपोज ये हमारी सेल है, ठीक है, चाहे उसे न्यूरॉन मान लो, चाहे कोई दूसरी सेल मान लो, ठीक है, ये वो रिसेप्टर है, मैं स्पेसिफिक नहीं बता रही, म्यू, कापा, डेल्टा, सिंपल समझ लो कि ये ओपियोइड के रिसेप्टर है। ठीक है, टोटल नंबर कितना दिख रहा है आपको, चार रिसेप्टर दिख रहे हैं सरफेस पे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अगर आप ज्यादा ओपियोइड लोगे, ठीक है, ज्यादा, बहुत ज्यादा डोज में ले रहे हो, लंबे टाइम के लिए ले रहे हो, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं आपका, ज्यादा अगर ये रिसेप्टर आपके ड्रग के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इन रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो होगा क्या, सपोज ये वो रिसेप्टर है, दो रिसेप्टर दिखा रही हूं मैं, ये वो दो रिसेप्टर है, ये मेम्ब्रेन से डिटैच होके कहाँ चले जाएंगे, इस तरीके से, ये रिसेप्टर है, ये कहाँ चले गए, हमारे लाइसोसोम में चले गए, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, वहां ये रिसेप्टर चले गए और इनका अंदर ही अंदर क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेन में कितने रिसेप्टर रह गए, केवल दो रिसेप्टर रह गए, पहले कितना हुआ करते थे, चार। ठीक है, तो अब खुद सोचो, चार रिसेप्टर के होने से जो इफेक्ट आता था, क्या वो दो रिसेप्टर के होने से आ पाएगा, नहीं आएगा ना। तो आप सोचो, एक इंसान है जो, जिसकी बॉडी में ये हो रहा है, ठीक है, वो सपोज ओपियोइड लिया करता था, पहले कम डोज में ही उसे बहुत अच्छा इफेक्ट लगता था क्योंकि उसके पास टोटल चार रिसेप्टर थे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ज्यादा यूज करने की वजह से रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से अब रिसेप्टर दो ही रह गए, तो अब वो उसी डोज में सोचेगा कि उसे वही इफेक्ट मिले, वो तो मिलेगा नहीं, अब उसे क्या लगेगा कि भाई ये दवाई असर नहीं कर रही है, मुझे डोज को बढ़ाना चाहिए, तो उसके अंदर डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को, इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस डेवलप हो जाना, मतलब आपको उस डोज में अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यूफोरिक इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप डोज को बढ़ाओगे, और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते आप उस मेडिसिन पे क्या हो जाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारा सेकेंड इफेक्ट हमने देखा था, यूफोरिया, अच्छी फीलिंग आना, क्यों आ रही है अच्छी फीलिंग, ठीक है, क्योंकि यूफोरिया और डिपेंडेंस एक दूसरे से रिलेटेड है। जब किसी चीज को लेने के बाद आपको अच्छा लगता है, तभी आप क्या करते हो, उस चीज को कंज्यूम करते हो, ये तो बात क्लियर है ना। अगर किसी चीज को लेने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली आप वो मेडिसिन नहीं लोगे, है ना, या वो आपका कोई भी ड्रग आप यूज नहीं करोगे। तो यूफोरिया क्यों डेवलप होता है, हम, मैंने आपको डोपामिनर्जिक पाथवे बिल्कुल डिटेल में बताए हुए हैं, पार्किंसन डिजीज जब हमने डिस्कस की थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे मिड ब्रेन का एक पार्ट है वेंट्रल टेगमेंटम एरिया, VTA जिसे बोलते हैं,
वहां पे डोपामीन का लेवल ज्यादा होने की वजह से, जब वहां पे डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है या डोपामीन ज्यादा प्रेजेंट होता है तो इंसान को बहुत अच्छा फील होता है, रिवॉर्डेड फील करता है इंसान। और तो होता क्या है, देखो जो ये ओपियोइड्स है ना, ये वेंट्रल टैगमेंटम एरिया में डोपामीन के लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया? कैसे बढ़ाते हैं? देखो वेंट्रल टैगमेंटम एरिया में जो डोपामीन रिलीज हो रहा है उसे ब्लॉक करने के लिए गाबा है, ठीक है। गाबा क्या करता है, उस पर कंट्रोल बना के रखता है कि ज्यादा डोपामीन रिलीज ना हो। लेकिन ओपियोइड क्या करते हैं, इस गाबा के कंट्रोल को हटा देते हैं। अभी तक गाबा कंट्रोल कर रहा था ना डोपामीन के रिलीज को, अब क्या हुआ, गाबा को हटा दिया ओपियोइड ने। ठीक हो गया? तो अब क्या होगा, आसानी से डोपामीन रिलीज हो रहा है और इंसान को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, उसी की वजह से उसे क्या फील हो रहा है, यूफोरिया फील हो रहा है। समझ में आया, ओपियोइड कैसे यूफोरिया इंड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो अब इंसान को जब किसी चीज को लेके अच्छा लग रहा है तो इट मींस वो क्या करेगा, उसे चीज को उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये एडिक्शन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे आप एक और इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं एडिक्शन कि ओपियोइड का एडिक्शन क्यों होता है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इफेक्ट है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोगों के कुछ और भी इफेक्ट हैं, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगी जो यहाँ पे छूट गए हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, डेल्टा की। चलिए, म्यू के इफेक्ट मैक्सिमम जितने होते हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे इफेक्ट हैं, बट वो रिसेप्टर टाइप नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी कि उसमें ये नहीं कह सकते कि म्यू वन की वजह से आ रहा है, म्यू टू की वजह से आ रहा है। वो इफेक्ट मैं अलग से बता देती हूँ आपको, ठीक है। वो अभी लास्ट में हम लोग करेंगे कौन कौन से इफेक्ट है। चलिए अभी बता देते हैं, ठीक है, वेट क्या करना है ना। तो म्यू के जो रिमेनिंग इफेक्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका सीटीजेड एक्टिवेशन, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है हमारा, वॉमिटिंग सेंटर जो है। जब भी ओपियोइड म्यू रिसेप्टर से बाइंड होता है जो कि सीटीजेड में अवेलेबल है, तो क्या होता है आपका, वॉमिटिंग होती है। तो इसी वजह से, ओपियोइड की वजह से वॉमिटिंग क्यों होती है पता होना चाहिए, म्यू रिसेप्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है ना, ये इफेक्ट मैं अलग से क्यों करा रही हूँ। इसको कराने का रीजन ये है क्योंकि ये म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री की कैटेगरी में मैं इन्हें नहीं डाल सकती हूँ, इनके बारे में भी पता नहीं है। तो इसीलिए सीटीजेड एक्टिवेशन हुआ तो वॉमिटिंग हुई। सेकेंड इफेक्ट ध्यान रखिएगा इसका है सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है। जब भी ओपियोइड म्यू रिसेप्टर से बाइंड होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी सप्रेस होता है। इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिकली हमारी मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल एंड टी सेल, इनके फंक्शन को ये इंपेयर कर देता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका इम्यून सिस्टम ओपियोइड की वजह से अगर आपका इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो रहा है तो आपकी वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन आपकी बढ़ जाती है, यानी कि ऐसे लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, क्योंकि वो ओपियोइड ले रहे हैं जो कि म्यू रिसेप्टर से बाइंड होकर आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है, ठीक है, जो इसी के म्यू के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, वो क्या है आपका, ये बेसिकली क्या करता है, यूरिनरी रिटेंशन कर देता है। जब भी ओपियोइड इससे बाइंड होते हैं तो यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है। और ये इफेक्ट, इसके बारे में एग्जैक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि यूरिनरी रिटेंशन किस वजह से हो रहा है, बट इसके लिए जो थ्योरी दी गई है वो यही है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ओपियोइड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो वो न्यूरॉन्स है उनको ये डिसेंसिटाइज कर देता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसिटाइलकोलीन, क्या इफेक्ट आता है बताइए, एसिटाइलकोलीन की वजह से क्या होता था, यूरिनेशन हुआ होता था, लेकिन क्योंकि उसका इफेक्ट खत्म हो गया, उसके जो नर्व्स हैं जहां से टर्मिनल से एसिटाइलकोलीन रिलीज होता है वहां पे डिसेंसिटाइजेशन हो चुका है, एसिटाइलकोलीन रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा बताओ, अब यूरिनेशन होगा या रिटेंशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे ओपियोइड्स हैं उनकी वजह से क्या देखने को मिलता है, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें कोई से इफेक्ट हमारे यहाँ पे रह रहे हैं तो, यस, ये जो हमारा म्यू रिसेप्टर है, ठीक है, मास्ट सेल में भी प्रेजेंट होता है, और मास्ट सेल में ये क्या करता है आपका, जैसे ही ओपियोइड मास्ट सेल में प्रेजेंट म्यू रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो एकदम से मास्ट सेल अपने अंदर से क्या रिलीज कर देती है, हिस्टामिन को रिलीज कर देती है। और हिस्टामिन की वजह से क्या होता है बेटा, हिस्टामिन क्या है आपका, एलर्जिक मीडिएटर है ना,
तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। साथ ही साथ क्योंकि हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, इसीलिए म्यूथ्री में भी आपने देखा था वैसोडाइलेशन होता है ना, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टामिन भी वही काम करता है, ठीक है, इसकी वजह से भी वैसोडाइलेशन होना है आपका, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना है, तो ये सारे अदर इफेक्ट हैं किसके, म्यू रिसेप्टर के, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा जो थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, डेल्टा रिसेप्टर की। तो ध्यान रखिएगा जो डेल्टा रिसेप्टर है, देखो सबसे पहले तो इस रिसेप्टर से जब भी ओपियोइड बाइंड होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा, सेम जैसे म्यू से बाइंड होने के बाद आ रहा था एनाल्जेसिक इफेक्ट, यानी कि जो पेन ट्रांसमिशन की जो इम्पल्स हो रही है, पेन को ट्रांसमिट करने वाली वो ब्लॉक हो रही है, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे हो रही है, तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट तो ये प्रोड्यूस करता ही है। साथ में दूसरा इफेक्ट ये हमारे जीआई में भी प्रेजेंट होते हैं ये वाले डेल्टा रिसेप्टर, इसीलिए जो जीआई मोटिलिटी रिड्यूस हो रही थी वो इसकी वजह से भी होगी, ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है इसकी वजह से भी कम होगी, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और जो इसके साथ पॉजिटिव इफेक्ट है वो ये है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट, ध्यान रखिएगा डेल्टा रिसेप्टर एक्टिवेशन की वजह से ये देखा गया है कि ये डिप्रेशन को ठीक करने में हेल्प कर रहा है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है लेकिन बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका, इसका बहुत आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिनमें ये निकल के आया है कि आपका ये क्या करता है, आपका डिप्रेशन के अगेंस्ट फाइट करता है, तो इसका ये इफेक्ट आपका क्या है आपके लिए, मतलब अच्छा इफेक्ट है क्योंकि डिप्रेशन से डील करने में आपको हेल्प कर रहा है, तो ये आपके क्या है डेल्टा रिसेप्टर के इफेक्ट है। नाउ कापा की बात करें तो पहला इफेक्ट जो कि कॉमन इफेक्ट है सबके साथ है, वो इसके साथ भी है एनाल्जेसिक इफेक्ट, यानी कि ओपियोइड जब भी कापा से बाइंड होगा तो पेन ट्रांसमिशन इनहिबिट होगा, ठीक है, पेन परसेप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इसका इफेक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी जो आप बोल सकते हो इसका जो खासियत है वो क्या है, देखो इसकी वजह से जो एक सिम्टम आता है वो है डिस्फोरिया। डिस्फोरिया मतलब क्या होता है, ये ऐसी स्टेट है जहां पे इंसान बहुत अनईजी सा फील करता है, अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता, बहुत अंदर से उसे आपका डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, तो ये आपका डिस्फोरिया है। तो अब इसके होने से क्या एडवांटेज आपको होगा, इसके होने से क्या एडवांटेज होगा कि अगर किसी भी ड्रग को लेने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, जब डिस्फोरिया हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो पर्सन उस ड्रग को एब्यूसिव पर्पस के लिए यूज करेगा, क्या उसकी जरूरत खत्म होने के बाद भी वो उस दवाई को कंटिन्यू करना पसंद करेगा, नहीं करेगा ना। तो यही इसका एक एडवांटेज है कि ये जो आपकी कापा रिसेप्टर एगोनिस्ट जितनी भी ड्रग होंगी ये क्या होंगी, आपकी डिवॉइड ऑफ एडिक्शन होंगी, यानी कि इनको लेने की वजह से एडिक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि इनके साथ जो एक इफेक्ट ये डिस्फोरिया है वो क्या करेगा, इंसान को मजबूर कर देगा कि भाई ये दवाई अननेसेसरली लेनी ही नहीं है, जिसे लेने के बाद आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ पे मिस हो रहा है, डेल्टा में भी आपका डेल्टा रिसेप्टर से भी बाइंडिंग होगी तो एडिक्शन होता है, ठीक है, म्यू और डेल्टा दोनों ही, अगर आप ऐसी ड्रग लेते हो जो म्यू या डेल्टा से बाइंड होती है तो दोनों की वजह से एडिक्शन होगा, लेकिन ऐसी ड्रग जो कि कापा स्पेसिफिक है, केवल कापा एगोनिस्ट की तरह काम करती है, तो उसकी वजह से एडिक्शन नहीं होगा। तो ये आपका कापा रिसेप्टर के साथ एक एडवांटेज है, जो समझ में आ गया होगा आपको क्या एडवांटेज है, ठीक है, और क्यों है बेसिकली। तो ये है हमारे ओपियोइड रिसेप्टर म्यू डेल्टा एंड कापा रिसेप्टर, ओके। तो यस देख लेते हैं इसमें हमारा, यस एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, हालांकि और सारे फैक्ट हमने देख लिए हैं, एक इफेक्ट जो देखने को मिलता है ना वो है आपका ओपियोइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जेसिया। हमें दिख रहा है हर जगह, देखो म्यू डेल्टा कापा की वजह से एनाल्जेसिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों में ओपियोइड लेने के बाद एनाल्जीसिया की बजाय हाइपर एल्जीसिया हो जाता है, जिसको OIH बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं, इसको बोलेंगे क्या, ओपियोइड इंड्यूस इंड्यूस्ड हाइपर एलजीसिया। अब ये क्या है, ठीक है,
हाइपर एलजीसिया मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका दर्द कम होने की बजाय पेन ट्रांसमिशन की जो इम्पल्सेस हैं वो ब्लॉक होने की बजाय वो और भी ज्यादा सेंसिटाइज हो जाती है, यानी कि आप पेन ट्रांसमिशन और भी जल्दी होने लगेगा और ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओपियर्स तो हम दर्द को रोकने के लिए लेते हैं ना, अगर ओपियर लेने के बाद दर्द ज्यादा हो रहा है तो ये तो गलत बात है। तो बेसिकली जो ये OIH है ये हर किसी इंसान में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें ये रिपोर्ट हुआ है OIH कि ओपियड लेने के बाद दर्द कम होने की वजह और भी बढ़ जा रहा है, तो मे बी इसका जो एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी है नोन नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेनली इसका रीजन ज्यादातर ये बोला जाता है कि जेनेटिक्स शायद इसमें इन्वॉल्व है, कुछ जेनेटिक रोल है कि कुछ लोगों के जीन इस टाइप के हैं कि जिसकी वजह से ये आ रहा है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, उन थ्योरी में से एक है NMDA रिसेप्टर थ्योरी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, ये जो हमारे केमिकल थे इनमें से एक केमिकल क्या था आपका, ग्लूटामेट भी था, ठीक है, जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड होता था और इफेक्ट दिखाता था। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर, ठीक है, ये बोलती है कि ओपियोइड की वजह से जो हमारे ये ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स थे ना पोस्ट सिनेप्टिकली, ये बोल रही है कि ये जो ये थ्योरी ये बोलती है कि ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी इन रिसेप्टर्स का ओवर एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पोस्ट सिनेप्टिकली जो ग्लूटामेट के रिसेप्टर स्पेसिफिकली NMDA रिसेप्टर, इनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता है कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अपनी वेसिकल से जब रिलीज होता है तो पूरा जो पहला वाला जो आपका न्यूरॉन है वो कुछ अमाउंट को ऊपर ले लेता है, रीअपटेक कर लेता है ना। तो ये क्या बोलती है थ्योरी, पहली बात कि ग्लूटामेट के रिसेप्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है, किस वजह से बढ़ रहे हैं वो हमें नहीं पता, ग्लूटामेट के रिसेप्टर बढ़ने की वजह से और ग्लूटामेट का रीअपटेक कम होने की वजह से। अब क्या होता है, ज्यादा ग्लूटामेट है तो वो ज्यादा रिसेप्टर भी है तो बाइंडिंग होगी, तो ऑब्वियसली जब ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है बेटा, पेन ट्रांसमिशन होता है ना। तो जब ज्यादा बाइंडिंग हो रही है तो उसका मतलब पेन ट्रांसमिशन भी फास्ट होगा। तो पहली थ्योरी तो ये ग्लूटामेट थ्योरी है जो ये बोलती है कि ग्लूटामेट इसका इसमें रोल है और ये जेनेटिक है। बेसिकली इसका कुछ पता नहीं है कि क्यों ऐसे ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स आपके ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं या फिर क्यों आपका रीअपटेक कम हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स में जरूर ट्रांसपोर्टर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ग्लूटामेट का रीअपटेक नहीं हो रहा है पहले न्यूरॉन में, यही तो है ना। और दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारा सेकेंड हमारा हमने देखा था जो ओपियोइड पेप्टाइड था एंडोजिनस डायनॉर्फिन, ठीक है, ये थ्योरी ये बोलती है कि जो डायनॉर्फिन होती है उसकी खासियत होती है कि वो यहाँ पे एक और मीडिएटर था, कौन सा था, CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। तो ये क्या बोलती है थ्योरी कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक डायनॉर्फिन है वो CGRP के रिलीज को बढ़ा देता है, ठीक है, और CGRP ज्यादा होगा तो आप जानते हो फिर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और फिर पेन ट्रांसमिशन की जो इम्पल्स है वो बहुत फास्ट कॉर्टेक्स में जाएगी और हमें पेन फील होगा। तो ये एक इफेक्ट ये बोल रहा है कि CGRP के रिलीज को बढ़ा रहा है ना। तो ये आपका, जबकि डायनॉर्फिन क्या है आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस मीडिएटर के रिलीज को बढ़ा रहा है जो खुद में क्या करता है आपका पेन प्रोड्यूस करता है, पेन की इम्पल्स को भेजता है आपका कॉर्टेक्स में। तो ये भी आपकी एक थ्योरी है। तो इस तरीके की आपकी एक 5ST थ्योरी भी है। 5ST थ्योरी में ये बोला जाता है कि अगर किसी भी वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से हमारे 5ST के 5ST3 या फिर 5ST2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमने देखा था दो पाथवे हमारे थे, एक कौन सा था, असेंडिंग पाथवे जिसकी वजह से पेन की इम्पल्स कॉर्टेक्स में जा रही थी और हमें पेन फील हो रहा था, दूसरा क्या था, डिसेंडिंग पाथवे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो पेन की इम्पल्स थी उसे ट्रांसमिट होने से रोका जा रहा था, है ना। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी 5ST रिलीज होगा और 5ST2 या 5ST3 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो उसकी वजह से जो आपका जो इनहिबिटरी पाथवे था, यानी कि जो आपका क्या था, जो आपका डिसेंडिंग पाथवे था, उससे जो कंट्रोल शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, असेंडिंग पाथवे की ओर चला जाएगा, यानी कि अब आपका डिसेंडिंग पाथवे जो काम कर रहा था अब वो काम इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, ज्यादा कौन सा काम होने लगेगा, असेंडिंग पाथवे वाला, ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस होता है देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में, लेकिन 5ST की बाइंडिंग की वजह से डिसेंडिंग और असेंडिंग के बीच में क्या आ गया, आपका कंट्रोल बिगड़ गया, अब असेंडिंग पाथवे ज्यादा काम करेगा
तो आप जानते हो असेंडिंग पाथवे की वजह से तो पेन महसूस होता है, डिसेंडिंग की वजह से क्या होता है, पेन इनहिबिशन होता है ना, फील ही नहीं होता पेन। अब जब वो पाथवे ही शिफ्ट हो चुका है, कंट्रोल शिफ्ट हो चुका है, तो वो भी है। तो ये तीन थियरीज है जो OIH के लिए है आपका, ओपियोइड इंड्यूस एंड हाइपर एल्जीसिया के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओपियोइड्स ये भी काम करते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी पर्सन को ओपियोइड दे रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। हो सकता है आपने एनाल्जेसी के फैक्ट के लिए दिया और वहां हाइपर एल्जीसिया हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएंट है अभी, लेकिन इसके एग्जैक्ट पैथो नहीं पता है। ये केवल थियोरीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या OIH होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ड्रग्स की बात करें वो मैंने बता दी है आपको, उसके क्लासिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर किसी को मान लो ओपियोइड की वजह से आपको पता है, आपने देखा था रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा ये जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है ये हमारे कफ सेंटर को भी सप्रेस करते हैं, इसीलिए ये एंटीटसिव की तरह भी यूज होते हैं। एंटीटसिव आपकी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, जो आपके कफ से को सप्रेस करते हैं, ठीक है, जिसमें कोडीन आता है बेसिकली, जो इसी कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये आपके कफ सेंटर को भी सप्रेस करते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अब आप सोचो कि किसी ने ओपियोइड लिया, ज्यादा डोज ले ली, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या दोगे? ऑब्वियसली उसका एंटीडोट दोगे, है ना। तो एंटीडोट क्या है आपका? नेल्ट्रेक्सोन, ठीक है, नेल्ट्रेक्सोन और नेलॉक्सन, ये हमारे क्या है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। तो बेसिकली ये इन रिसेप्टर्स पे जाके क्या कर देंगे, मेनली म्यू पे, क्योंकि म्यू की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और था, आपने देखा था। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, म्यू रिसेप्टर्स पे जाएंगे और खुद बाइंड हो जाएंगे, तो ओपियोइड अब इससे बाइंड होगा नहीं, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे केस में यूज किया जाता है जब लास्ट में आपको पता चल रहा है कि किसी को ओपियोइड की पॉइजनिंग हो गई है, तो क्या दोगे आप, नेल्ट्रेक्सोन या नेलॉक्सोन दे सकते हो। स्पेसिफिकली ये म्यू पे बाइंड होकर उसे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग ऐसी आती है जो कि मिक्स्ड, आप बोल सकते हो पार्शियल है, जैसे उसमें आती है आपकी, इस ड्रग का नाम है हमारा ब्यूप्रीनॉर्फिन। ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है, हमारी पार्शियल एगोनिस्ट है, ध्यान में रखिएगा, पार्शियल एगोनिस्ट है। और पार्शियल एगोनिस्ट होने की वजह से ही इसे हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके ADR कम है, जैसे आपने देखा था म्यू एक्टिवेशन की वजह से कितने सारे आपके इफेक्ट रिड्यूस हो रहे थे, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपका, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, ये सारे ADR ही तो है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है ना, ये क्योंकि पार्शियल एगोनिस्ट है तो इसकी वजह से क्या होंगे, ये ADR कम होंगे, ठीक है। फुल एगोनिस्ट की वजह से ऑब्वियसली ADR आपके ज्यादा आते हैं, पार्शियल क्योंकि कम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो इसीलिए जो ADR से वो भी कम रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बात बताया, शायद हमने डिस्कस नहीं की, ओपियोइड्स को हमेशा इसका जो होती है डोज टैपरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप किसी कोई इंसान ओपियोइड ले रहा है लंबे टाइम से और आप एकदम से उसे ओपियोइड आप सडनली स्टॉप कर दोगे तो उसके बाद उसे विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो विड्रॉल सिम्टम्स जो आ रहे हैं, जैसे मान लो अभी तो ओपियोइड नॉर्मली क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन अगर आपने ओपियोइड एकदम से स्टॉप कर दिया ना तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की जगह अब इंसान को डायरिया, बीपी कम होने की वजह से बीपी की जगह बीपी ज्यादा हो देखने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं हम ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। इसीलिए ओपियोइड को क्या करना चाहिए, हमें धीरे धीरे आपका क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। एकदम से आप स्टॉप करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपके जब हम एकदम से स्टॉप करते हैं ना तो नेचुरल जो हमारे ओपियोइड्स हैं ना उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो एंडोजेनस हैं उनकी इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ता है। तो आपने बाहर से तो देना बंद कर ही दिया, साथ ही साथ वो अंदर वाले जो हमारे ओपियोइड हैं वो भी आपके क्या हैं, आपके अभी नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अब इंसान में क्या होंगे, आपके विड्रॉल सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे ना, इसीलिए डोज टैपरिंग जरूरी है ओपियोइड एनाल्जेसिक की। तो ये था ऑल अबाउट, इसीलिए जो हमारा ब्यूप्रीनॉर्फिन है, ठीक है, ब्यूप्रीनॉर्फिन आपका यूज करते हैं ऐसे केसेस में जब हम डोज टैपरिंग की बात करते हैं, मॉर्फिन ना देके आप ये दीजिए, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको हेल्प मिलेगी इफेक्ट को कम करने में, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी आपका क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द आपका आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।